तो आज शुरू करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल का जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कवरी ऑफ टफ्ट, उसका ये फिफ्थ लेक्चर है। तो आइए पढ़ते हैं। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्निकल पुल्ड अप एस्ट्रोनिक्स इमेजेस ऑफ द टर्टल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वो आगे बताते हैं कि जो उनका बॉडी को जब उठा के उनके जो कब्र में था उसमें डाल दिया गया, तो उसमें उसके पीछे जो टेक्नीशियन है वो क्या कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिक्स इमेजेस ले रहे हैं। वो जो उनका रे से जो इमेज जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन में उसको वो लोग कैच कर रहे हैं। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ अ पिक्सल। और उस रे के वजह से वो कैसा एक हेड बनता है, एकदम ऐसे जो एकदम सिर जो निकला हुआ जैसा बनता है। एंड टेक्निकली स्पन एंड टाइल्टेड इट्स ऑन एवरी डायरेक्शन। और वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो पिक मतलब उस जो रे है उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के उस पर रे डाल रहे थे। नेक वर्टिब्रल्स अपीयर एज क्लियरली एज इन एंटोनॉमी क्लासेस। और उससे क्या हुआ कि उनका जो वर्टिब्रेट्स था, गर्दन के जो हड्डियाँ थी, वो सारी नज़र आ रही थी एकदम साफ। अदर इमेज रिवॉल्व्स अ हैंड सेवरल व्यूज ऑफ अ रिबकेज। और कुछ के वजह से क्या, साफ उनका हाथ नज़र आ रहा था, कुछ के वजह से उनका रिब केज यानी जो चेस्ट के पास का जो हड्डी होता है वो भी साफ नज़र आ रहा था। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल बट नाउ प्रेशर वॉज ऑफ सीटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल। अब ये सब तो सारा चीज़ हो ही रहा था, उसके साथ जो जाही हवास थे वो मुस्कुरा रहे थे और एकदम बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनका अब प्रेशर ख़त्म हो चुका था। विजिबल रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। अब वो कहते हैं कि चलो अब आराम है क्योंकि अब कुछ बड़ा गलती नहीं हुआ। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड। वो बोलते हैं कि मैं पिछले रात नहीं सोया एक सेकेंड के लिए भी। ही सेड आई वॉज सो वरीड। वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान था। ना बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब बोलते हैं लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं सो सकता हूँ। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंड द मेटल स्टेयर ऑन द सैंडी राउंड ग्राउंड। और उसके बाद जब वो अपने जो लेबोरेटरी जैसा है उससे बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो ग्राउंड है वो अब अपने लेबोरेटरी जो मेटल का बना हुआ है उसको छोड़ के अब वो कहाँ पे पैर रखने जा रहे हैं, सैंडी ग्राउंड पे। द विंड वॉज विंड हैड स्टॉप्ड। और अब जो तूफान था वो अब रुक चुका था। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक अ डेथ इट सेल्फ एंड द वैली ऑफ द डिप्रेटेड। अब वो कहते हैं कि अब ऐसा मौसम हो चुका था जैसे कि एकदम सब मर चुके हों और एकदम ठंड भी जो था वो भी रुक चुका था। जस्ट एबव द एंट्रेंस ऑफ अ थर्ड टॉम स्टूड ओरियन द कंस्टुलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन नो द सोल ऑफ ओरेसिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। वो कहते हैं अब उनका जो देखभाल है वो अब ओरेसिस करेंगे। ओरेसिस क्या बोलते हैं, ये इजिप्ट में एक कंसेप्ट है जो भगवान मरने के बाद जो बॉडी का देखभाल करते हैं उसके बारे बोलते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। वो बताते हैं कि अब जो बच्चे राजा हैं इसको देखेंगे। ये लिया गया है इस आखिर ये जो कहानी आया वो नेशनल ज्योग्राफी वॉल्वो नंबर 207 का नंबर 6 से लिया गया। आज यहीं अब इस कहानी ख़त्म होता है।